हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, इन सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस ऑफ फीटल वायबिलिटी एंड राइट्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। अब देखते हैं इसमें क्या है। द सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग अ मैरिड वुमन रिक्वेस्ट टू एंड हर 26 वीक्स प्रेगनेंसी। द केस हैज ट्रेवल्ड टू डिफरेंट बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रेजिंग क्रूशियल क्वेश्चंस ऑन द डिसीजन ऑटोनॉमी ऑफ अ वुमन टू अबॉर्ट। आप देखिए, 9 मंथ्स की अगर हम लोग देखें, 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है, तो 9 मंथ्स मतलब एक महीने में हम लोग अगर 4 देखें, मतलब 9 4 36 वीक होते हैं। और ये 26 वीक मतलब 2 महीने पहले, मतलब आप मानो 6.5 और 7 महीने की बात हो रही है, 6.5 और 7 मंथ प्रेगनेंसी की यहाँ पे बात हो रही है, 26 वीक मतलब। ठीक है, वुमेन टू अबॉर्ट एंड द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे क्या डिसीजनल ऑटोनॉमी है वुमेन के पास, और ये दो बेंचेस पर ये बहुत क्रूशल इशू हो जा रहा है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द केस अबाउट। तो केस क्या है, अ 27 ईयर ओल्ड मैरिड वुमेन हु ऑलरेडी हैज 2 बॉयज, जिनके पास ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, हैज आर्ग्यूड दैट द प्रेगनेंसी वॉज अनप्लैंड। तो इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की थी। शी हैड सेड दैट हर फैमिली इनकम इज इनसफिशियंट टू सपोर्ट एन अनदर चाइल्ड। तो ये बता रही है हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अगले दूसरे बच्चे को जन्म दे सके और उसको पालन पोषण कर सके। एंड दैट शी इज अंडर मेडिकेशन फॉर पोस्टपार्टम डिप्रेशन आफ्टर द बर्थ ऑफ हर सेकेंड चाइल्ड। तो उनका ये मेडिकेशन भी चल रहा है। ऑन October 9, 2 जज बेंच, तो यहाँ पे 2 जज थे इस बेंच में, ऑफ जस्टिस हीमा कोहली एंड बीवी नागरथना, आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द पटिशनर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, अलाउड डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। तो इन्होंने पहले अलाउ कर दिया कि ठीक है भाई, जब आप नहीं कर सकते, आपके इश्यूज हैं, तो आप अबॉर्ट कर लो। द कोर्ट रीजन दैट एन अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इज सेम एज अ फोर्स प्रेगनेंसी फॉर विच टर्मिनेशन इज अलाउड अप टू 24 वीक्स। तो अब 24 वीक्स तो अगर ये अलाउड है, तो ये 26 वीक में 2 हफ्ते हैं, तो चलो कर लो। हाउएवर, एम्स दिल्ली रोट टू सुप्रीम कोर्ट दैट इट वुड नीड अ डायरेक्टिव ऑन वेदर अ फेटिसाइड स्टॉपिंग द फीटल हार्ट कैन बी डन बिफोर टर्मिनेशन सिंस द फीटस इज करंटली विजिबल। तो अब वो एम्स दिल्ली ने साफ यहाँ पे बताया कि फीटस तो विजिबल है, अब क्या किया जाए बताओ। तो उसका हार्ट रोका जाए टर्मिनेट करने से पहले, उसको कैसे किया जाए। ऑन October 11, आफ्टर द एम्स रिपोर्ट, द सेम बेंच वॉज स्प्लिट ऑन अलाउइंग द अबॉर्शन एंड द केस वॉज बिफोर 3 जज बेंच। तो ये जो 2 बेंच थे, इन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ी और उसी में फिर स्प्लिट हो गया 1 बाय 1 में कि भाई अब क्या करें। तो अब देखिए, ये 3 जज बेंच पे, और उसमें चीफ जस्टिस के द्वारा उसको भेज दिया गया इस केस को, क्योंकि अब 3 होंगे, तो ऑलरेडी 3 है, तो इसमें तो डिसीजन आना ही है, 2:1 होगा तो होगा। ऑन फ्राइडे द बेंच कॉल्ड फॉर अ फ्रेश मेडिकल रिपोर्ट टू इंडिकेट द फीटल हेल्थ एंड मेडिकल कंडीशन ऑफ अ वुमेन। तो यहाँ पे फीटल हेल्थ और मेडिकल कंडीशन ऑफ वुमेन को देखने की बात की जा रही है। वॉट इज लॉ ऑफ एबॉर्शन, तो देखते हैं लॉ क्या है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट MTP एक्ट अलाउज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन 3 स्टेजेस। तो देखो, ये 3 स्टेजेस में अलाउ करते हैं। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स इज अलाउड ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। तो 20 वीक तक का प्रेगनेंसी है, तो आप उसको डॉक्टर के एडवाइस पे कर लो। इफ प्रेगनेंसी इज 20 to 24 वीक, द राइट टू सीक अबॉर्शन इज डिटरमाइंड बाय 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एज एन एक्सेप्शन बट ओनली अंडर सर्टेन कैटेगरीज। तो ये भी अलाउड है वहाँ पे, किसी भी, यहाँ पे 1 डॉक्टर, यहाँ पे नीचे में 2 डॉक्टर। पर अब देखो कंडीशन क्या है, Section 3B ऑफ द रूल अंडर MTP एक्ट। MTP एक्ट क्या है आपका, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, लिस्ट 7 कैटेगरीज ऑफ फोर्स प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग स्टैट्यूटरी रेप इन केस ऑफ माइनर्स और सेक्सुअल असॉल्ट, वुमेन विद डिसेबिलिटी, और वेन देर इज चेंज इन मैरिटल स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब औरत प्रेगनेंट हो गई, आदमी छोड़ के चला गया, ये सारे चेंजेस अगर आ रहे हैं, या उसका रेप हुआ है माइनर का, आप या कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है आप देखिए, या वुमेन जो है जिनका जो प्रेगनेंट है वो कोई किसी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी से वहाँ पे जूझ रही हैं, तो इन केसेस में आप देखिए 20 to 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी भी अब मतलब अबॉर्शन हो सकता है।
आफ्टर 24 वीक, अब 24 वीक के बाद का, अ मेडिकल बोर्ड मस्ट बी सेटअप इन अप्रूव्ड फैसिलिटीज, मेडिकल बोर्ड सेटअप होना चाहिए विट में अलाउ और डिनाई टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ओनली इफ देर इज सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी। तो जब अगर फीटस यहाँ पे एबनॉर्मल हो आपका, जो वहाँ पे फीटस जो सेल होता है फीटल, वो मल्टी सेलुलर फॉर्म में आ जाता है, जब वो आपका एबनॉर्मल हो तभी आप इसको अलाउ करो। तो ये चीज़ यहाँ पर है, 3 केसेस है, 1, 2, 3, हमने तीनों केसेस देख लिए। हैज़ द कोर्ट अलाउड टर्मिनेशन बियॉन्ड 26 वीक, क्या कोर्ट ने इसके पहले 26 वीक्स के आगे का टर्मिनेशन भी अलाउ किया है? यस yes. अब जस्ट अ सेकेंड देखते हैं। यस, इन सेवरल केसेस ऑन अगस्त 21 अ बेंच हेडेड बाय जस्टिस नागरत्ना हेल्ड अ स्पेशल सिटिंग ऑन द सैटरडे टू अलाउ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ अ रेप सर्वाइवर उस प्रेगनेंसी वॉज 27 वीक एंड 3 डेज। तो आप देखिए रेप हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे अलाउ करना चाहिए। हाउ एवर द डिफरेंस इन दिस केस सीम्स टू बी द मेरिटल स्टेटस ऑफ अ वुमेन। तो यहाँ पे जो है मेरिटल स्टेटस में डिफरेंस आ रहा है, विच इंडिकेट्स दैट द कॉन्ट्रासेप्शन इज कंसेंशुअल एंड नॉट फोर्स प्रेगनेंसी इन द इन दैट सेंस। इन सेप्टेम्बर 2022 अ बेंच लेड बाय जस्टिस चंद्रचूड़ अलाउ अबॉर्शन फॉर अ अनमेरिड वुमेन हु हैज 24 वीक प्रेगनेंट एंड वॉज इन कंसेंशुअल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आप देखिए मतलब अपने रिलेशनशिप में थी, कंसेंशुअल मतलब ऑलरेडी उन्होंने कंसेंट दिया हुआ था, ठीक है, और 24 वीक का प्रेगनेंट वो थी, अनमेरिड थी, तो उनको अलाउ किया गया। द बेंच साइटेड ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दैट प्रमोट्स द एंजेंडर सोसाइटल चेंज एंड सेड दैट द लॉ मस्ट रिमेन कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट चेंज इन सोसाइटी हैव अशर्ड इन सिग्निफिकेंट चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर। देर आर ऑल्सो इंस्टेंसेस इन विच कोर्ट हैव ओवर रूल डिसीजन ऑफ द मेडिकल बोर्ड टू अलाउ टर्मिनेशन। अब इन दो केसेस में तो हमने देखा अलाउ किया है, पर और भी केसेस में है, ऐसे भी केसेस आए जहाँ पे अलाउ नहीं किया गया, बोला गया है नहीं आप अबॉर्ट नहीं करवा सकते। वॉट अबाउट द राइट्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, जो हम लोग मार दे रहे हैं जिस बच्चे को माँ की कोख में ही मार दिया जा रहा है, उसके राइट्स के बारे में क्या है? हम जिंदा है तो वो भी तो जिंदा है, बस बात यह है कि हम धरती पे जिंदा है, वो अपनी माँ के पेट में जिंदा है, तो उसके राइट्स के बारे में क्या? द ऑब्जर्वेशन ऑन फ्राइडे बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेड बेंच ऑसिलेटेड बिटवीन द राइट्स ऑफ द वुमेन मस्ट ट्रम्प व्हेन इट कम्स टू अबॉर्शन एंड द नीड टू बैलेंस आउट द राइट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। तो यहाँ पे साफ ये बोला गया राइट ऑफ वुमेन जो है वो हमेशा प्रिवेल करेगा, पर बैलेंस आउट द अनबॉर्न चाइल्ड के राइट्स के साथ। देर इज नो डाउट दैट आर लॉ इज फार अहेड ऑफ अदर कंट्रीज, वी विल नॉट हैव रोए वर्सेस वाड़े स्टेशन हेयर, आर लॉ इज लिबरल एंड प्रो चॉइस, चीफ जस्टिस जी ने बोला है ये। वाइल कोर्ट्स हैव रीड द MTP एक्ट, ये आपका यही एक्ट है, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड प्रेगनेंसी एक्ट, liberally the test of fetal viability as a benchmark to allow abortion in New India. The landmark 1973 US Supreme Court verdict in Roe versus Wade that made abortion a constitutional right allowed abortion up to the point of fetal viability, that is the time after which the fetus can survive outside the womb. Fetal viability in 1973 was pegged at 28 week, that is 7 month. तो आप देखिए यहाँ पे 26 वीक की बात हो रही है, तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको 6.5 महीना, सही बताया था। विच इज़ नाउ विथ साइंटिफिक एडवांसमेंट ओवर 23 to 24 वीक, द क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियाज लॉ इज दैट, जस्ट अ सेकेंड, द क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियाज लॉ इज दैट टू टर्मिनेट आफ्टर 20 वीक इज शिफ्टेड टू डॉक्टर एंड नॉट टू वुमेन। वेल दिस is expected not to challenge in court, frequent cases of women in approaching the court at 11th hour point to a legislative gap. The Indian legal framework on reproductive rights tilts to the side of women autonomy to decide and choose more than towards the right of unborn child. So, India mein aap dekhiye, right of woman ko hum log zyada preference de rahe hain. राइट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड के कंपैरिजन में
ये हमारा लॉ यहाँ पे ये है, ठीक है। इन 2005 राजस्थान हाई कोर्ट इन नयन किशोर शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिजेक्टेड अ चैलेंज टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एमटीपी एक्ट ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट टू लाइफ ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। द राइट ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड हैज हाउएवर फॉर्म द बेसिस ऑफ लेजिस्लेशन दैट डील विद सक्सेशन ऑफ द लॉ बैनिंग सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फीटस सेक्शन 416 ऑफ सीआरपीसी ऑल्सो प्रोवाइड फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ द पोस्टपोन डेथ सेंटेंसेस अवॉर्डेड टू प्रेग्नेंट वुमेन। तो चलिए देखते हैं अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें। जस्ट अ सेकेंड, देखिए सबसे पहले हमारे लिए यही है, राइट टू वुमेन जो है हम इंडिया में राइट टू अनबॉर्न चाइल्ड के आगे रख रहे हैं। सेकंड यहाँ पे अपना आप देखिए एमटीपी एक्ट, ठीक है। थर्ड आप देखिए अभी एमटीपी एक्ट में हम देख रहे हैं थ्री वेज है, ठीक है। पहला आप देखिए अप टू 20 वीक, ठीक है। सेकंड आप देखिए 20 to 24 वीक, और थर्ड आप देखिए आफ्टर 24 वीक। ये तीन कंडीशन में अबॉर्शन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है। इसमें आपको बस एक देखिए एडवाइस चाहिए डॉक्टर की, ठीक है। एडवाइस ऑफ डॉक्टर, यहाँ पे आप देखिए दो मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, इनकी एडवाइस चाहिए आपको। और उसके बाद या तो आप अगर माइनर हो तो आपके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो, या तो आप डिसेबल रहो, या तो आपका मैरिटल स्टेटस चेंज हुआ रहे, या तो आपका स्टेचुटरी रेप हुआ रहे, मतलब ये सारे फोर्स प्रेगनेंसी अगर हो आपकी, मतलब आप चाह ना रहे हो और हो गया हो, ठीक है, फोर्स प्रेगनेंसी रहे, आप फोर्स प्रेग्नेंट रहो आप। और 24 वीक्स के बाद में आप देखिए आपके यहाँ पे मेडिकल बोर्ड सेटअप होगा, ठीक है। एक मेडिकल बोर्ड होगा, मेडिकल बोर्ड के साथ आप देखिए ये अलाउ भी कर सकता है और डिनाई भी कर सकता है, ये इसके हाथ में है, ठीक है। यहाँ पे और डिनाई मोस्टली तभी करेगा जब आपका फीटल एबनॉर्मल होगा। फीटल एबनॉर्मल होगा मतलब जो बच्चा आएगा वो किसी डिसेबिलिटी के साथ आएगा, सिंपल सी बात ये है। वो नॉर्मल बच्चा नहीं होगा, वो स्पेशल होगा, कोई स्पेशल जो चिल्ड्रन बोला जाता है वो होगा। तो ये तीन तो हमारे एक्ट है। क्या 26 के बियॉन्ड भी हुआ है? हाँ हुआ है, हमने केसेस देखे हैं। क्या रिजेक्ट भी हुआ है? हाँ रिजेक्ट भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो आपका यूएस का है उसके वर्डिक्ट में रू वाले केस में आप देखिए फीटल वायबिलिटी जिसको उन्होंने रखा था 7 महीना, दैट इज 28 वीक, तो अब वो चीज़ चेंज होके 23 24 होना चाहिए। इंडिया का आप देखिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ये सब चैलेंज भी हुआ है, पर इंडिया में हम इसी को प्रिवेल करते हैं, राइट टू वुमेन। एक इसमें हमें देखना चाहिए आर्टिकल 416 ऑफ सीआरपीसी, ये सेक्शन 416 ऑफ सीआरपीसी है। अब देखिए और इधर में क्या इम्पोर्टेंट था, ये हमने देख लिया। ये चीज़ चैलेंज क्यों हुआ है? क्योंकि एम्स ने रिपोर्ट दे दिया है कि भाई फीटस तो देखो साफ सुथरा दिख रहा है, तो पहले दो जज का बेंच था, अब तीन का हो गया, ठीक है। बस इसमें यही था। तो डिसीजनल ऑटोनॉमी ऑफ अ वुमेन टू अबॉर्ट, इसके बारे में बात हो रही है। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।